हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड सैम्पल पेपर के क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 6 जो ट्राइंगल वाला चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन है। सो चैप्टर नंबर ये क्वेश्चन है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर एंड इफ ए एम एंड पी एम आर एल्टीट्यूड्स। ठीक है, तो दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर, और ये दोनों ट्राइंगल जो हैं सिमिलर हैं और इनके एल्टीट्यूड्स जो हैं, इसका एल्टीट्यूड है ए एम और दूसरे का एल्टीट्यूड है पी एम, इनके एल्टीट्यूड्स का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। अगर ए बी स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर का रेशियो 4:9 है। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर का रेशियो 4:9 दे रखा है, तो ए बी और पी क्यू जो है, ए बी जो है फर्स्ट ट्राइंगल की साइड है और पी क्यू जो है सेकेंड ट्राइंगल की साइड है। अगर ए बी स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर का रेशियो 4:9 है, तो ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो हो जाएगा 2:3, क्योंकि हमें इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। अगर हम स्क्वायर रिमूव करेंगे तो इट विल बी 2:3। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो, ठीक है, उनकी एल्टीट्यूड्स के रेशियो के इक्वल भी होता है। तो इट मींस ए बी अपॉन पी क्यू ए एम अपॉन पी एम के इक्वल होगा। यहाँ पर ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो 2:3 है, इसलिए ए एम अपॉन पी एम का रेशियो भी 2:3 होगा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है, ये ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 8 से क्वेश्चन है। तो इसमें ये दे रखा है कि इफ 2 sin² beta - cos² beta = 2, देन बीटा इज, तो इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करनी होगी। तो 2 sin² beta - cos² beta जो है वो 2 के इक्वल है, तो हमें बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बीटा एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 sin² beta, अब cos² beta की जगह हम लिख सकते हैं 1 - sin² beta। ठीक है, कॉस स्क्वायर बीटा किसके इक्वल है? 1 - sin² beta। यहाँ हमें ब्रैकेट पुट करना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो ब्रैकेट पुट नहीं करते हैं, तो दैट इज रॉन्ग, क्योंकि यह बाहर माइनस है। तो जैसे ही आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ये अंदर का साइन चेंज होगा। ठीक है, तो इट विल बिकम +sin² beta। अब 2 sin² beta प्लस साइन स्क्वायर बीटा, इट विल बिकम 3 sin² beta, और 1 को हम उधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। नाउ sin² beta = 3:3, दैट इज sin² beta = 1, और वी कैन से दैट sin β = 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा। अब साइन में 1 वैल्यू कब होती है? जब ये बीटा जो है 90 के इक्वल हो। ठीक है, ये अपन टेबल से फाइंड आउट करेंगे। तो इसका मतलब बीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री हुई। आई होप ये आपको क्लियर है। थोड़ा सा आइडेंटिटी इसको अच्छे से करेंगे तो आप इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट इज प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर विद द डेसिमल एक्सपेंशन 44.123 r। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। सो नंबर जो है 44.123 है, और हमें इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, वो क्या होंगे? तो जैसा कि हम जानते हैं कि 44.123 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अभी टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि ये एक फिक्स डिजिट पे खत्म हो रहा है। अब जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं उनके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में केवल 2 और 5 ही आएगा, तो इस हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। तो इसमें कुछ ज्यादा ऐसा कुछ सोचना नहीं है। नेक्स्ट, द लाइंस x = a एंड y = b आर इंटरसेक्टिंग
पैरेलल, ओवरलैपिंग और नन ऑफ दी। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई ग्राफ x के टर्म्स में दिया जा रहा है तो वो y एक्सिस के पैरेलल होता है, और अगर कोई ग्राफ y के टर्म्स में दिया जा रहा है तो वो x एक्सिस के पैरेलल होता है। ठीक है, अगर हम सपोज कर लें कि ये b है तो ये y इक्वल टू b का ग्राफ हुआ, ये x के पैरेलल हुआ, और x इक्वल टू a का ग्राफ y के पैरेलल होगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो द करेक्ट आंसर इज इंटरसेक्टिंग। नाउ नेक्स्ट इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट a माइनस 5.6 फ्रॉम द ओरिजिन। सो आई होप आप सबने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर किया होगा, दैट इज चैप्टर 7। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, इट इज एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। बट अगर यहाँ पे अगर एक पॉइंट ओरिजिन होता है तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थोड़ा सा क्विक जो है आपको ट्रिक्स आनी चाहिए ताकि आप फास्ट पेपर सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर एक्स हो गया माइनस फाइव का होल स्क्वायर और वाई हो गया 6 का स्क्वायर, तो माइनस फाइव का स्क्वायर हुआ 25 और 6 का स्क्वायर हुआ 36, ये रूट में है। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो यू विल गेट 5 प्लस 6 11 1 3 61, तो इट इज रूट 61। 61 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये रूट 61 इसका आंसर हुआ, रूट 61 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू 23/25 देन ए इज, ए निकालने के लिए हमें इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा 23/25। 23 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये रूट में रहेगा, और 25 का रूट 5 होगा। अब रूट 23 एक इरेशनल नंबर है और 5 एक रैशनल नंबर है, इरेशनल को रैशनल से डिवाइड करते हैं तो यू आर गोइंग टू गेट इरेशनल वैल्यू, सो द करेक्ट आंसर इज इरेशनल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज इफ एलसीएम x,18 इक्वल्स टू 36 एंड HCF x,18 इक्वल्स टू 2, यानी कि LCM आपका 36 है इन दो नंबर्स का और HCF आपका 2 है इन दो नंबर का, x और जो है 18 का, तो हमें x फाइंड आउट करना है। तो हमने एक जो प्रॉपर्टी चैप्टर नंबर 1 में सीखी है, दैट इज फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू HCF इंटू LCM, तो ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। फर्स्ट नंबर यहाँ पर x है, सेकेंड नंबर यहाँ पे 18 है, HCF यहाँ पे 2 है, LCM यहाँ पे 36 है, तो 2 इंटू 36 अपॉन 18, 18 को हम यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे। अब अगर हम इसको कैंसिल करें 36 को 18 से, तो यू विल गेट 2 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 4, तो यहाँ पर x की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम सेक्शन ए के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप यहाँ तक के सॉल्यूशन आपको समझ में आ गए।